चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आगे। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3, क्या दे रखा हुआ है? अ फर्म हैज टू डिपार्टमेंट, जिसमें क्या दे रखा हुआ? सॉमिल्स एंड फर्नीचर्स, जिसमें फर्नीचर इज मेड विद द वुड सप्लाइड बाय द सॉमिल्स डिपार्टमेंट एट यूजुअल सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे यूजुअली ये जो ट्रांसफर हो रहा है किस बेसिस पे, तो सेलिंग प्राइस के बेसिस पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2022। तो हम लोग ऐसा सम्स आप लोग को याद आ रहा है कि हम लोग बनाए थे। अब देखिए, जिसमें हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा हुआ है, सेल दे रखा हुआ है, फिर परचेज दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे सप्लाई टू द फर्नीचर डिपार्टमेंट। जो यहाँ पे सप्लाई टू द फर्नीचर डिपार्टमेंट मतलब ट्रांसफर का बात कर रहा है, जो सप्लाई ट्रांसफर का बात हो रहा है, जो फर्नीचर डिपार्टमेंट को यहाँ पे ट्रांसफर किया गया वो किस सॉमिल से, वो कितने का था? 1,50,000 का। फिर हम लोग के पास सेलिंग एक्सपेंस दे रखा हुआ है दोनों का। फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग के पास यहाँ पे वेजेस भी दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है स्टॉक दे रखा हुआ है ऑन 31 दिसंबर 2022 का। तो ये हम लोग के पास ये समझ में हो गया। फिर यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट हम लोग के पास क्या बोला? द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इन इन द फर्नीचर डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 75% ऑफ द वुड एंड 25% ऑफ द अदर एक्सपेंस। देखिए, जो फर्नीचर डिपार्टमेंट का स्टॉक है, देखिए फर्नीचर का डिपार्टमेंट का हम लोग के पास स्टॉक कहाँ कहाँ है? फर्नीचर डिपार्टमेंट का सबसे पहला जो स्टॉक है ये है 25,000 का ओपनिंग स्टॉक, और जो दूसरा स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक वो कितना है? 30,000 का। अब इसमें से जो हम लोग के पास 25,000 प्लस में 30,000, इसमें से 75% क्या चीज़ है? तो ये ट्रांसफर जो होकर के हम लोग के पास आया है उस डिपार्टमेंट से, किस डिपार्टमेंट से? तो उस डिपार्टमेंट से जो हम लोग के पास था 100 मिल्स का, इसका 75% जो है ये किसका हो गया? मतलब 75% जो हो गया वो डिपार्टमेंट का हो गया, और जो हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक है इसका भी 75% क्या हो गया? वो डिपार्टमेंट का। और 25% जो बचा हुआ था वो था अदर एक्सपेंसेस का, और अदर एक्सपेंस तो इसी डिपार्टमेंट में हुआ होगा ना। तो ये चीज़ हम लोग के पास पता चल गया कि जो पिछले जो ट्रांसफर हुआ था उस डिपार्टमेंट का कितना स्टॉक अभी हम लोग के पास इसमें इस वाले डिपार्टमेंट में है, ये हम लोग के पास पता चल गया। आगे क्या बोला? द सो मिल्स डिपार्टमेंट अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 15% इन 2021। मतलब ओपनिंग जो हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, मतलब पिछले साल का जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो गेवन है वो कितना है? तो 15% है। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसमें 15% से मल्टीप्लाई कर देंगे जो ओपनिंग स्टॉक होगा उसमें, और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। और वो कैसे करते थे? तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट होता था, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड करते थे हम लोग सेल्स और ट्रांसफर दोनों को मिला करके, और सेल्स ट्रांसफर में हम लोग देखते थे कि जो सेलिंग प्राइस पे हुआ होता, मतलब जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है उस वाले सेलिंग प्राइस में। तो हम लोग ये चीज़ भी करने वाले हैं। और आगे सम्स में क्या बोला कि जनरल एक्सपेंस भी हम लोग के पास 5,000 का दे रखा होता, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इस सम्स में बनाना होगा। मतलब सेम सम्स तो ये भी थे इलस्ट्रेशन में, ठीक है। तो चलिए आप लोग खुद से बना लीजिए या साथ साथ बना। और हाँ, इस सम्स में मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि ऐसा सेम सम्स पहले हम लोगों ने बना लिए थे, इसलिए हम लोग इस सम्स में चलेंगे फास्ट। हम लोगों ने बनाया था ना इससे पहले वाला में, तो ये आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। दो डिपार्टमेंट हम लोग के पास सबसे पहले हैं, एक हो गया शॉ मिल्स, दूसरा हो गया फर्नीचर। दूसरा क्या चीज हो गया? फर्नीचर, ठीक है। ये हम लोग के पास कौन सा अकाउंट हो गया? तो डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये भी ट्रेडिंग डिपार्टमेंट का है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हम लोग के पास गिवेन है, तो ओपनिंग स्टॉक चले लिखते हैं। तो 150,000 टू ओपनिंग स्टॉक कितने का गिवेन है? तो यहाँ पे 150,000, और जो है 15 25,000, तो यहाँ पे 5,000। फिर यहाँ पे सेल देखा 12 लाख और 2 लाख, तो यहाँ पे बाय सेल्स लिखेंगे 12 लाख, और हम लोग लिखेंगे फिर 2 लाख। तो हमारे पास सेल्स भी आ गया प्लस में ओपनिंग स्टॉक, फिर हम लोग के पास परचेज 10 लाख और 7500, तो यहाँ पे 7500, और इसे यहाँ पास दे रखा हो ये 10 लाख का सेल दे रखा हो, सॉरी परचेज दे रखा हो, तो परचेज का हम लोग के पास हो गया। फिर हम लोग के पास जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है किसे? फर्नीचर डिपार्टमेंट, मतलब फर्नीचर डिपार्टमेंट के पास तो आ जाएगा यहाँ पे गुड्स। यहाँ पे 1,50,000 का ट्रांसफर कर रहा है फर्नीचर डिपार्टमेंट में, यहाँ पे टू ट्रांसफर लिखेंगे जो 100 मिल से हो रहा है किस है? फर्नीचर में, तो फर्नीचर में तो बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ पे 1,50,000 वाले लोग फर्नीचर में बढ़ा देंगे, और हम लोग राइट साइड में भी लिखेंगे बाय ट्रांसफर करके, और ये किससे ट्रांसफर रहा है? 100 मिल से, मतलब 100 मिल से तो कम हो जाएगा ना, तो हम लोग यहाँ पे 1,50,000 का लिखेंगे। और लॉजिक क्या था? तो एसेट जो बढ़ता है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, तब फर्नीचर में एसेट बढ़ गया तो इसलिए डेबिट साइड में, 100 मिल में कम हो गया तो इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये चीज़ हम लोग लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग के पास सेलिंग एक्सपेंस है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। वेजेस हम लोग के पास दे रखा हुआ था, इसे ओपनिंग अकाउंट में दिखा देते हैं। टू वेजेस तो कितने का दे रखा हुआ था यहाँ पर, 30 और 10,000 का, 30,000। फिर हम लोग के पास जो है 10,000 का। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है क्लोजिंग स्टॉक जो 1 लाख का, और यहाँ पर 30,000 का बाय क्लोजिंग स्टॉक जो कितने का है, 1 लाख का। फिर जो हम लोग के पास है ये है 30,000। अब हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे इसे। चलिए क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे 12 लाख प्लस यहाँ पे 1,50,000 प्लस कर देंगे हम लोग 1 लाख, तो हम लोग के पास जो टोटल आ गया कितना आ गया, तो ये आ गया 14,50,000। यहाँ पे 14,50,000, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 14,50,000। तो हम लोग के पास आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट जो कितना आ जाएगा, तो इसमें से 1,50,000 माइनस कर दें, इसमें से 10 लाख था ना, कितना था परचेज का, 10 लाख माइनस कर देंगे, और यहाँ पे 30,000 माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास जो आ गया ये आ गया 2,70,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, जो आ गया 100 मिल्स का। फिर हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे फर्नीचर जो डिपार्टमेंट था उसका ग्रॉस प्रॉफिट, आ गया 2,30,000। यहाँ भी लिख देंगे 2,30,000। अब इस 2,30,000 में से हम लोग माइनस कर देंगे कितना कर देंगे माइनस, तो 25,000। फिर यहाँ पे 7,500 फिर माइनस कर देंगे 150,000, फिर माइनस कर देंगे 10,000, हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ पे 37,500 का हम लोग के पास क्या आ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर हम लोग लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट जो कितना आ गया, तो यहाँ पे 270 और 37,500, 270,000 और यहाँ पे 37,500 का आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से जो भी एक्सपेंस था सेल का एक्सपेंस दे रखा था ना, तो इसे हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पे टू सेलिंग एक्सपेंस जो कितना दे रखा है सेलिंग एक्सपेंस, तो 10,000 और 3,000, तो यहाँ पे 10,000 सिंपली माइनस करेंगे, और यहाँ पे 3,000 हम लोग के पास क्या आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। और इससे भी हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 270,000 और यहाँ आ जाएगा 37,500। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को ना, यहाँ पे 270,000 और यहाँ पे 37,500, इसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो 260,000 उनके पास नेट प्रॉफिट में आ गया, और इसमें से 30,000 माइनस थ्री थाउजेंड माइनस करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 37 में से 3 गया तो कितना बचा, 34,500 का हम लोग के पास नेट प्रॉफिट आ गया। अब ध्यान दीजिए सम्स, सम्स में हम लोग के पास क्या बोला था कि यहाँ पे जनरल हम लोग के पास एक्सपेंस गिवन था 55,000 का, तो हम लोग को जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। चलिए जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ पे बनाते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में हम लोग दोनों को मिला करके लिखेंगे, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं नेट प्रॉफिट, जिसमें हम लोग के पास जो था ये था 260,000 और यहाँ पे था 34,500, तो यहाँ पे 260,000 प्लस में 34,500, मतलब जो डिपार्टमेंट फर्नीचर था और प्लस में 100 मिल, दोनों को मिला करके नेट प्रॉफिट को लिखें, यहाँ गया 294,000 का आ गया ना, यहाँ पे 294,000 का हम लोग के पास क्या आ गया, जनरल में हम लोग के पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। फिर इसमें एक एक्सपेंस हम लोग के पास गिवन है जो क्या है, जनरल एक्सपेंस, टू लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, जनरल एक्सपेंस जो कितने का है 55,000 का, तो हम लोग 55,000 का यहाँ पे लिखेंगे। फिर जो हम लोग के पास अनरियलाइज प्रॉफिट होगा उसे भी लिख देंगे, और हम लोग के पास क्या आ जाएगा, टू जनरल नेट प्रॉफिट, ये हम लोग के पास आ जाएगा ना, और इसे हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली क्लोज कर देंगे। तो देखिए अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक के बारे में तो सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा होता, बट क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। चलिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक से, हम लोग के पास जो ओपनिंग स्टॉक था वो कितने का था, ओपनिंग स्टॉक जो था हम लोग के पास देखिए फर्नीचर का ही था ना, देखिए जो ट्रांसफर हो रहा है वो 100 मिल से फर्नीचर में हो रहा है, तो 100 मिल का तो हम लोग का यहाँ पे जो 100 मिल में तो किसी के पास से ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना, तो इसमें तो हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट किसका निकालते हैं, जिसमें ट्रांसफर हुआ रहता है उसका, जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर करता है, जिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करता है उस डिपार्टमेंट का हम लोग निकालते हैं यहाँ पे क्या, अनरियलाइज प्रॉफिट, और जितना स्टॉक होता है उस पार्ट में। तो देखिए स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक वो है 25,000, हम लोग 25,000 का ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, और इसमें कितना पार्ट है जो ट्रांसफर होकर के आया, तो हम लोग के पास ये चीज दे रखा हुआ कि यहाँ पे 75% जो पार्ट है वो ट्रांसफर होकर के आया है, हम लोग इंटू कर देंगे 75%, और इसमें जो हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक आ जाता मतलब पिछले साल का जो प्रॉफिट का रेशियो था वो था कितना, तो ये था हम लोग के पास कितना 15% का, तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 15%, हम लोग के पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ जाएगा जो ओपनिंग स्टॉक में था, ये था 25,000 इंटू 75% इंटू कर देंगे 15%, तो पास आ गया 28
12.5, ये हम लोग के पास क्या गया, ओपनिंग स्टॉक का जो अनरियलाइज प्रॉफिट था। इसी तरह से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का निकाल देंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग के पास कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है ये है 30,000 क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे 30,000 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 75%, बिकॉज 75% एलिमेंट था जो ट्रांसफर होकर के आया था, और अदर कॉस्ट का तो हम लोग को लेना नहीं, क्योंकि अदर कॉस्ट तो इसी डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली एक्सपेंस हुआ होगा, और इसका ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को निकालना होगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल देते हैं, हम लोग के पास ट्रांसफर कौन किया था, कौन सा डिपार्टमेंट किया था ट्रांसफर, हम लोग के पास ये 100 मिल का क्या हुआ था, तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 270,000। हम लोग लिखेंगे सिंपली यहाँ पे 270,000 डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, तो डिवाइड करते हैं सेल प्लस में ट्रांसफर दोनों मिला करके, जिसमें प्रॉफिट का पार्ट इंक्लूड हो। तो यहाँ पे सेल जो है वो कितना है, तो 12 लाख का, और जो ट्रांसफर हुआ वो 1,50,000 का, तो यहाँ पे 12 लाख प्लस में 150,000, तो यहाँ पे 12 लाख प्लस 1,50,000, तो इस तरह से हम लोग के पास आ जाएगा, इन 200 कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा, तो 12 लाख हो गया प्लस करेंगे हम लोग 1,50,000, तो ये आ गया 1,350,000 एम प्लस, तो यहाँ पे 270,000 डिवाइड करेंगे 270 आ जाए यार, डिवाइड करेंगे MRC, तो हम लोग के पास जो आ गया वो आ गया 20% ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, जो करंट ईयर का था। इस 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ये कितना आ जाता है, तो यहाँ पे 30,000 × 75% टू 20%, तो ये आ गया हम लोग के पास 4500, तो 4500 हम लोग के पास क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक का जो अनरियलाइज प्रॉफिट है। अगर नेट निकालना चाहेंगे तो नेट हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो नेट जो अगर आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 2812.5, इसमें से अगर माइनस कर देंगे 4500, तो इस साल का जो अनरियलाइज प्रॉफिट हुआ नेट में वो कितना हो गया, हो गया 1687.5, ये आ गया हम लोग के पास 1687.5 जो हम लोग के पास नेट में यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया। तो नेट वाला अनरियलाइज प्रॉफिट था हम लोग के पास, तो अगर राउंडिंग ऑफ करके लिख दें तो यहाँ पे 1688 हो जाएगा अगर ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा जनरल प्रॉफिट, तो यहाँ पे 294,000, फिर इसमें माइनस कर देंगे 55,000, फिर माइनस कर देंगे 88, ये जो आ गया ये कितना आ गया 237,312 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए जो नेट प्रॉफिट था उसमें यहाँ पे जो था इस दोनों को ऐड करने में मैंने मिस्टेक कर दिया था, 500 मैंने छोड़ दिया था, तो 500 यहाँ पे और ऐड कर दीजिए ये 500 को, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा ये आ जाएगा 237,812, ये हम लोग के पास क्या आ चुका है, तो ये हम लोग के पास जनरल प्रॉफिट आ चुका है नेट में। तो इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम लोग यहाँ पे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग ये जो था नेट करके लिखे देना, यहाँ पे नेट करके यहाँ लिखे देना 1688 लिखे थे जहाँ पे हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट, तो अगर चाहोगे आप लोग तो यहाँ पे ओपनिंग को अलग से दिखा सकते हो, और यहाँ पे क्लोजिंग वाला था उसे हम लोग अलग से यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट करके दिखा सकते हैं, मतलब ओपनिंग को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा दें और जो क्लोजिंग है उसे हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में करके दिखा देंगे, तब भी काम चल जाएगा। तो आप लोग को जैसे भी बनाना होगा उस तरह से बना लीजिएगा। एक बार मैं आप लोग को बुक में दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, पर उससे पहले ये आ जाइए बुक में दिखा देता हूँ। हाँ, देखिए ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, इसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट 100 मिल से कितना आया, फर्नीचर से कितना आया, तो दोनों को अलग करके दिखाया, और इससे पहले वाला जो सम्स था उसमें 7 करके ही दिखाया था, आप लोग अलग करके दिखाओ या 7 करके कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हम लोग के पास था ना 260 और यहाँ पे 34,500, तो ये दिखा दिया। इसके बाद जो जनरल एक्सपेंस था उसे दिखा दिया, और जो यहाँ पे स्टॉक रिजर्व आ रहा था तो ओपनिंग को यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिखाया, और जो क्लोजिंग था उसे यहाँ पे डेबिट साइड में, या आप लोग चाहोगे तो दोनों को नेट करके दिखा सकते हो, और उसके बाद नेट प्रॉफिट ये आ चुका है। और इसी के साथ यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट हो गया, लास्ट क्वेश्चन ये है ना।